गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज हम NTA, CUET या DU या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो दिस इज़ द प्रैक्टिस सेशन फॉर यू। एंड ये सेवेंथ प्रैक्टिस सेशन है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इससे पहले सिक्स प्रैक्टिस सेशंस हो चुके हैं, उसमें भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि एक्सपेक्टेड थे, समझा था उन क्वेश्चंस को। इस सेक्शन की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी हो तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले के प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखी हैं वीडियोस, तो एक प्लेलिस्ट में क्यूएट हिस्ट्री करके, CUET हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे के सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो उसमें आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से उनको चेक कर सकते हो। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वेंचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स वर रिस्की बट हाईली प्रॉफिटेबल। ऐसे वेंचर्स जो कि ट्रेडर्स के थे, जो थोड़े खतरनाक थे, रिस्की थे, बट अगर वो उसको सक्सेसफुली करते थे तो उनको प्रॉफिट बहुत होता था। सी फेयरर्स, पेडलर्स, कैपिसा या फिर गली गई। तो इसमें से जो वेंचर बहुत रिस्की और पर हाईली प्रॉफिटेबल था उसका आंसर है सी फेयरर्स। इनका थोड़ा सा रिस्क होता था बिकॉज दे यूज टू कैरी प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते थे, तो इनको लूट लिया जाता था। समटाइम्स कोई ऐसी वेव आई कि इनका सामान ही डूब गया, बोट शिप जो है वो सिंक हो गई, तो इनका काम बहुत रिस्की होता था। बट अगर ये कंप्लीट करते थे अपना ट्रेड तो इनको बहुत प्रॉफिट भी होता था। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। गौतमी पुत्र सत्कनी अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन ग्लोइंग टर्म्स इन। जो ये गौतमी पुत्र सत्कनी है, पहले तो बताइए ये कौन से रूलर जो हैं, ये किस जैसे मौर्याज होते हैं या गुप्ताज होते हैं, तो ये कौन से रूलर हैं? तो इसका आंसर सत्वाहना रूलर थे ये, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सत्वाहना रूलर गौतमी पुत्र सत्कनी। एंड इनको डिस्ट्रॉयर, जो प्राइड ऑफ क्षत्रिय है, क्योंकि क्षत्रिय ही माना जाता था कि वही सिर्फ रूलर बन सकते हैं, लेकिन ये इन्होंने, इनको माना जाता है कि डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रिय, कि उनकी जो प्राइड थी, अभिमान था, उसको डिस्ट्रॉय करने वाले कौन थे? ये थे। एंड इनकी जो ग्लोरी, इनकी जो अचीवमेंट, जो इन्होंने अचीव की चीजें, वो किस जगह पे लिखी गई हैं? नशिक इंस्क्रिप्शन, हस्ती गुम्फा इंस्क्रिप्शन, वाराणसी इंस्क्रिप्शन या फिर सिमुका इंस्क्रिप्शन। तो इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो नशिक इंस्क्रिप्शन में, नाशिक इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्डेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इशूड फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स। पहली बार सोने के सिक्के किसने इशू किए थे जिन पे रूलर का नाम भी मेंशन था? इंडो ग्रीक्स, गुप्ता, मौर्यंस या सत्वहाना। तो इनमें से किन रूलर्स ने फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे? फर्स्ट कॉइन, सॉरी, गोल्ड कॉइन नहीं, फर्स्ट कॉइन्स जिसपे नेम ऑफ रूलर्स भी मेंशन था। तो इसका आंसर है इंडो ग्रीक्स। फर्स्ट गोल्ड कॉइन जो मैं कह रही थी वो, फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स जो थे ये फर्स्ट सेंचुरी BC में, फर्स्ट सेंचुरी CE, सॉरी, कॉमन एरा था, फर्स्ट CE में कुशानाज ने इंट्रोड्यूस किए थे। बट अगर हम नेम ऑफ रूलर्स जिसपे उस सिक्के पे किंग का नाम या उनकी इमेज बनी होती थी, वो चीज इंडो ग्रीक्स वुड बी द आंसर। अगर इसमें फर्स्ट गोल्ड कॉइन होता तो फिर कुशाना वुड हैव बीन द आंसर। आगे बढ़ते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। मैंने काफी सारी वीडियोस में बताया है कि जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनकी लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि जो किंग्स और क्वींस होते हैं उनके बारे में बहुत सी चीजें मेंशन की गई होती हैं, ये लोग कमीशन किया करते थे।
लेकिन एक आम इंसान ना तो उसके पास इतना पैसा है कि वो अपनी जिंदगी के बारे में किसी और से लिखवाए, और ना उसके पास खुद इतनी नॉलेज और समय कि वो अपने बारे में इतना डेप्थ में लिखे। तो हिस्टोरियंस को आम ऑर्डिनरी लोगों के बारे में कैसे पता चलता है? रिमेन्स ऑफ हाउसेस, जो चीजें हमें मिलती हैं, घर, पॉटरी, हम एक आइडिया देते हैं कि कॉमन लोगों की जिंदगी कैसी होगी। सेकेंड, कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस और मूर्तियां वगैरह, स्क्रिप्चर्स, टॉक अबाउट रिलेशन जो राजा और उनके जो प्रजा होगी उनके बीच में किस तरीके का संबंध होगा। इट टॉक्स अबाउट टैक्सेस जो कर देना पड़ता था, और खुशी गम जो आम इंसान के होते थे, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही जो सोर्सेज हैं, घर मिले, पॉटरी मिली, इंस्क्रिप्शंस में, मूर्तियों में, हमें काफी सारी जगहों से, इवन स्टोरीज जो थी उनसे भी हमें पता चलता है कि एक आम इंसान की जिंदगी किस तरीके की होती होगी, और उनके राजा के साथ किस तरीके के रिलेशंस होंगे वो भी हमें पता चलता है। तो आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। प्रभावती गुप्ता वॉज वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री, वॉज दी डॉटर ऑफ। प्रभावती गुप्ता एक एक्सेप्शन मानी जाती हैं। इवन जब हम लैंड ग्रांट्स की बात करते हैं तो हमें बहुत रेयरली किसी वुमेन का दिखता है जो लैंड ग्रांट करती हो, बट प्रभावती गुप्ता का हमें दिखता है। इवन एक क्वेश्चन जो क्लास 12th के मैंने जब सोर्सेज डिस्कस किए थे तो उसमें से एक क्वेश्चन था जिसमें प्रभावती गुप्ता अपना जो एक लैंड था वो एक ब्राह्मण को दे रही थी, एंड वो कैसे वहां के जो लोग थे उनको वो ऑर्डर कर रही थी कि उनको उनकी बात को सुनना है। तो प्रभावती गुप्ता वॉज वन ऑफ दी वुमेन जिनके पास पावर थी और अथॉरिटी थी। ऐसे एग्जाम्पल्स हमें हिस्ट्री में कम देखने को मिलते हैं कि वुमेन के पास लैंड राइट्स हों। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, ये किसकी डॉटर थी? श्री गुप्ता वन, रुद्रसेन वन, चंद्रगुप्त, सॉरी रुद्रसेन टू, चंद्रगुप्त टू, या कुमार गुप्ता। तो इनमें से चार में से वो किसकी डॉटर थी? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त टू की, प्रभावती गुप्ता विज डॉटर। तो ये आपका आंसर है। बट प्रभावती गुप्ता जो थी शी वॉज द क्वीन, मतलब इनकी शादी हुई थी क्वीन ऑफ वकटा, वकटा, एंड वकटा किंग जो थे उनसे इनकी शादी हुई थी। उनका ये रुद्रसेन टू जो है ये उनके हस्बैंड थे, तो उनसे इनकी शादी हुई थी, एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त टू, एंड रुद्रसेन टू से उनकी शादी हुई थी। तो अगर हस्बैंड पूछा जाता तो आप सेकेंड मार्क करते। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन पैटर्न ऑफ सतवाहना, हु वॉज गोलमिका। अब देखो हर जगह का, जैसे अगर हमने अकबर की बात करें या अशोका की बात करें, तो हर किंग का अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन पैटर्न होता है। जैसे अकबर के टाइम में सूबास थे, तो सतवाहनास में एक गोलमिका होते थे। इनका क्या, किस चीज के लिए इनको यूज किया जाता था, ये कौन थे? हेड ऑफ स्पाई डिपार्टमेंट, जो जासूस वगैरह होते थे उनके हेड, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग जो जगह को देखना, पूरा मैनेज करना, जो गांव वाला एरिया उसको, टैक्स कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, या जो कोर्ट के प्रीस्ट थे, जो कोर्ट में प्रीस्ट हैं उसका काम करते थे, तो ये कौन थे? तो जो गुलमिका होते थे ये हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल एरिया होते थे, एंड इनका काम हेड, ये हेड ऑफ मिलिट्री रेजिमेंट भी होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। विच रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, या बृधनाथ। तो अब इनमें से कौन थे जिन्होंने सांची स्तूपा को कंस्ट्रक्ट करवाया? तो उसका नाम ऑब्वियसली अशोका ने कंस्ट्रक्ट करवाया था सांची स्तूपा। जो ये स्तूपा ऑफ सांची था ये 3rd century BC में बन ओरिजिनली बिल्ट करवाया गया था, एंड अशोका ने ही सारनाथ का जो पिलर है वो भी अशोका ने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो अगर इसमें पूछा जाता कंस्ट्रक्टेड, इसमें सांची की जगह अगर सारनाथ पिलर पूछा जाता तो भी आंसर अशोका ही था, एंड सांची स्तूपा 3rd BC में इनिशियली कंस्ट्रक्ट करवाया गया था।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5। मनंदेर हु वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, ये इन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था, ये एक रूलर थे, बाय द होली नेम नागासेना। नागासेना के जो होली नेम था कन्वर्टेड, उनके नेम पे इन्होंने कन्वर्ट किया। तो ये जो मनंदेर थे ये किसको बिलोंग करते थे? ग्रीको बैक्टीरिया किंग, इंडो ग्रीक रूलर, वेस्टर्न क्षत्रिय डायनेस्टी या नन ऑफ दीज। तो ये जो मंदरक थे ये इंडो ग्रीक रूलर थे एंड इन्होंने बाद में कन्वर्ट हो गए थे ये बुद्धिज्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट टू रूल ओवर मगध? नंदास, हर्यंकास, मौर्यास या शिशुनाग्स। तो इनमें से फर्स्ट डायनेस्टी जिन्होंने मगध पे रूल किया, तो हर्यंकास जो थे देवर द फर्स्ट डायनेस्टी जिन्होंने मगध के ऊपर रूल किया था एंड इनके जो फाउंडेड जो ये डायनेस्टी थी उनके जो फाउंडेड बाय बिम्बिसार। एंड ये एक लिस्ट है जो नंदा डायनेस्टी थी उनके फाउंडर थे महापद्मनंदा, हर्यंका के बिम्बिसार, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य और शिशुनाग। तो ये शिशुनाग तो इन्होंने इनकी डायनेस्टीज को फाउंड किया था एंड ये डायनेस्टीज थी जिन्होंने मगध पे रूल किया। तो ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो क्योंकि इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, डायनेस्टी में पूछ सकते हैं कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी या मौर्य। तो नहीं पूछी क्योंकि कॉमन है, सबको मोस्टली पता ही होता है, बट बाकी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अशोक धामा? तो अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद उनको दिखा था जब इतना ब्लड शेड हो रहा है तो उन्होंने धामा स्प्रेड करना शुरू किया था। तो धामा के बारे में ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी सही है? कुछ स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे अशोका के द्वारा जो कि धामा का जो मैसेज था उसको स्प्रेड करते थे। सेकंड, अशोका का जो धामा था वो डिड नॉट इन्वॉल्व भगवान की जो पूजा होती थी या फिर जो सैक्रिफाइस परफॉर्म होते थे, जैसे अश्वमेघ यज्ञ हो गया या फिर और भी कोई जो सैक्रिफाइस परफॉर्म होते थे वो सब नहीं होते थे धामा में। थर्ड, धामा महामता जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, लोगों को बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाते थे। ऑल ऑफ दी अबव, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है। वैसे जो धामा महामता होते थे वो धामा के बारे में बताते थे, एग्जैक्टली वो बौद्धिज्म के बारे में नहीं बताते थे, बट क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट दो पॉइंट बिल्कुल ठीक हैं इसलिए थर्ड भी लगभग ठीक है। बट अगर आपसे क्वेश्चन से पिछली एक वीडियो में मैंने एक एमसीक्यू डिस्कस किया था जिसमें उन्होंने ये आई थिंक रीजनिंग वाला क्वेश्चन था तो मैंने इसको फॉल्स बताया था क्योंकि धामा महामता बौद्धिज्म नहीं, वो धामा की जो बातें थी जो टीचिंग्स थी जिसमें इंक्लूडेड होता था कि आपको एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, आपको दूसरे रिलीजन्स जो है जो किसी और कल्चर को फॉलो करता है आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है, जो रिच हैं उनको पुअर वगैरह से भी इक्वली ट्रीट करना है, किसी को अनइक्वली ट्रीट नहीं करना, सबकी रिस्पेक्ट करनी है एल्डर्स की, अच्छे से ट्रीट करो और रिस्पेक्ट करो, हेल्प करो, ये सारी चीजें उनके मैसेजेस होते थे जो वो स्प्रेड करते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इंडस वैली पीपल यूज्ड बर्नड ब्रिक्स, दिस सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन इंडिया अबाउट 4700 ईयर्स अगो, हरप्पा इन सिंध मीन्स बरिड सिटी। जो सिंध में हरप्पा का मतलब होता है बरिड सिटी। हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर सील्स वर डिस्कवर्ड हेयर, हेयर मतलब हरप्पा की बात हो रही। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इंडस वैली में बर्नड क्लिक ब्रिक्स मिली हैं, यूज की जाती थी, ये सही है क्योंकि हमें ट्रेसेस मिलते हैं। ये सिविलाइजेशन अराउंड 4700 ईयर्स अगो फ्लरिश करी थी, ये भी ठीक है। हरप्पा सिंधी में बरिड ब्रिक्स सिटी ही इसका मतलब होता है, ये भी ठीक है, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर सील्स वर डिस्कवर्ड ये गलत है। हमें सर्कुलर सर्कल हो गया, हमें रेक्टेंगल हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया,
हमें इन सब की ब्रेक्स जो स्टेटाइट की बनी हुई हमें मिली हैं, लेकिन स्क्वायर सील्स के कोई हमें एविडेंस नहीं मिलता, तो इसलिए ये आंसर गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12। द हरप्पन्स बिलोंग्ड टू द ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज, ब्रास एज, आयरन एज। तो हरप्पन जो थे वो कौन सी एज से बिलोंग करते थे? तो आयरन एज से वो बिल्कुल बिलोंग नहीं करते थे, आयरन डिस्कवर ही नहीं किया था हरप्पन्स ने, तो वो लोग आयरन को नहीं जानते थे, तो आयरन नहीं है इसका आंसर। ब्रॉन्ज, ब्रास भी नहीं है इसका आंसर, कॉपर भी नहीं है इसका आंसर, ये आंसर है आपका ब्रॉन्ज एज। और ब्रॉन्ज ही जो था उससे टूल्स बनाए जाते थे ब्रॉन्ज के, इसे इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाई वाज इंडस सिविलाइजेशन नेम्ड हरप्पन सिविलाइजेशन? बिकॉज द नेम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, जिन्होंने जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने इस हरप्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया, द साइट हरप्पा, उनके नाम के कारण इसका नाम हरप्पा पड़ा। बिकॉज हरप्पा फर्स्ट साइट थी ऑफ द सिविलाइजेशन। इस पूरी सिविलाइजेशन में अलग अलग है, मोहनजोदारो भी है, लोथल भी है, चुन्हुदारो भी है, शोरतुघई भी है, लेकिन फर्स्ट जो सिविलाइजेशन एक्सकेवेट में, जैसे सबसे पहली जो जगह एक्सकेवेट हुई वो हरप्पा थी, इसीलिए इसका नाम हरप्पा पड़ा, क्योंकि मोहनजोदारो का पुराना नाम हरप्पा था। डॉक ऑफ इंडिया, इंडिया वैली सिविलाइजेशन वॉज नोन एज हरप्पा। जो डॉक ऑफ इंडिया वैली सिविलाइजेशन है उसको हरप्पा कहा जाता था, इसीलिए तो इसको हरप्पा सिविलाइजेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली साइट जो डिस्कवर एक्सकेवेट हुई थी और डिस्कवर हुई थी वो हरप्पा थी। इसके बाद मोहनजोदारो, लोथल, चुन्हुदारो ये सब डिस्कवर हुए, तो जब हरप्पा डिस्कवर हुई तो इसका नाम हरप्पा सिविलाइजेशन पड़ गया, बट इसमें बहुत सारी साइट्स डिस्कवर हुई। ठीक है। क्वेश्चन 14 कह रहा है, विच ऑफ दी फॉलोइंग वर द रॉ मटेरियल्स जो कि क्राफ्ट प्रोडक्शन हरप्पा सिविलाइजेशन में यूज होते थे? क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, मेटल जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल, फायंस, टेराकोटा और बर्नक्लिस। चुन्हुदारो ये बहुत छोटी सी सेटलमेंट है अगर हम मोहनजोदारो से कंपेयर करें, बट वहां पे हमें माना जाता है कि चीजें बनाई जाती थी, तो क्वार्ट्स और स्टेटाइट वगैरह सील्स वगैरह बनाने के लिए यूज किए जाते थे, टूल्स या वेपन्स बनाने के लिए इन सब चीजों का यूज किया जाता होगा, और बीड्स वगैरह ये सब चीजें, बर्नड क्ले ये सब भी यूज की जाती थी। हमें टेराकोटा स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, बर्नड क्ले, क्ले हमें ब्रिक्स मिलती हैं जो एक स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। लेकिन अगर इसमें से मैं क्वेश्चन ऐसे क्रिएट करूं, विच ऑफ दी फॉलोइंग वॉज द रॉ मटीरियल, इसमें से विच ऑफ दी फॉलोइंग वॉज नॉट द रॉ मटीरियल, और मैं एक आंसर आयरन भी कर दूं, तो जब नॉट आएगा तो आप आयरन को आंसर मार्क करना, क्योंकि हरप्पन सिविलाइजेशन में आयरन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो आयरन वुड बी द रॉन्ग आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, 15 कह रहा है, व्हाट डज पैटिलिनी मीन्स? बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्रॉम फादर साइड, फ्रॉम मदर साइड, फ्रॉम अंकल साइड, नन ऑफ द अबव, मतलब किसी की साइड से नहीं हो तुम। तो इसका आंसर है क्वेश्चन 15 का, अ डिसेंडेंट फ्रॉम फादर साइड, जैसे फादर से सन, फिर ग्रैंड सन, तो ये क्या, ये पैटरलिनी है। क्वेश्चन 16, पांडवाज और कौरव जो थे ये कौन थे? ब्रदर थे, अंकल थे, कजन्स थे, नन ऑफ द अबव थे। तो जो पांडव और कौरव थे वो कजन्स थे, और जिनमें बेसिकली पावर और लैंड के लिए लड़ाई हुई थी, फ्यूड पड़ गई थी और उस पे फिर लड़ाई हुई थी, बाद में महाभारत हुआ था पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली वेदिक बुक? सबसे अर्ली वेदिक बुक कौन सी है? सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? तो हमारा तो सबसे पहला ओल्डेस्ट वेद है, ये तो आपको पता होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, उसका आंसर है ऋग्वेद। साम, यथुर, यजुर ये सब इसके बाद लिखे गए हैं, सबसे पहले ऋग्वेद। क्वेश्चन 18 कह रहा है, व्हाट डज द वर्ड एंडोगेमी मीन्स? वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, मेन हैविंग सेवरल वाइव्स,
वो मैरिज आउटसाइड द किन, जो अपने किन होते हैं, किन्स किसे कहा जाएगा, जैसे अपनी फैमिली, क्लोज नेट फैमिली, किन्स फ्लोक्स माना जाते हैं, जैसे उसमें कजन्स वगैरह भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो उनमें उसके बाहर मैरिज करना या इसी ग्रुप के विद इन मैरिज करना, जैसे कुछ कम्युनिटीज आज भी विद इन कजन्स में मैरिज करती हैं, कुछ आउटसाइड द किन फ्लोक्स मैरिज करते हैं। तो एंडोगेमी का मतलब क्या होता है? एंडोगेमी का मतलब होता है पर्सन जिसमें आप मैरिज, इसका आंसर है मैरिज विद इन द ग्रुप। और अगर हम ये कहें कि एक्सोगेमी क्या होता है, तो वो होगा मैरिज आउटसाइड द किन। ठीक है, क्वेश्चन 19 है, बुक सूत पिटक बिलोंग्स टू हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म, बौद्धिज्म। तो जो सूत पिटक है ये बौद्धिज्म से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डाइडेक्टिक मीन्स। तो डाइडेक्टेड और नरेटिव, ये दो फॉर्म्स थे, हमने देखे भी थे। तो पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन, पर्पस ऑफ स्टोरी, पर्पस ऑफ हाउस, या नन ऑफ दीज। तो डाइडेक्टिव क्या है, ये पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस। इसमें से आपके कितने ठीक हुए मुझे झटपट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कोई क्वेश्चन जिसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। अगर इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो आप CUET हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट है पूरी, उसमें से आप चेक कर सकते हैं। वो लिंक आपको पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, सेम उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।